नमस्कार दोस्तों, लीजेंड परीक्षा घर में आपका स्वागत है। दिनांक है आज 12 जुलाई 2019 और हम रोज की तरह आज भी आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो आपका वो पहला क्वेश्चन है वो है कि 12 जुलाई को कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने देश की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की है। ठीक है, इसमें आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जियो, दूसरा है वोडाफोन, तीसरा है एयरटेल और चौथा है बीएसएनएल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीएसएनएल। ओके दोस्तों, अब ये कहेगा कि बीएसएनएल क्यों है, तो ये चीज़ जानना मेन इंपॉर्टेंट बात है कि बीएसएनएल इसका आंसर है तो क्यों है। तो बीएसएनएल इसका आंसर इसलिए है क्योंकि देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने देश की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जो कि नोट कर लीजिएगा, जो कि 25 जुलाई से शुरू होगी। कब से शुरू होगी? 25 जुलाई विंग्स मोबाइल ऐप से बीएसएनएल के यूज़र्स देश में कहीं भी टेलीफोन नंबर पर कॉल कर सकेंगे। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं करंट अफेयर के, वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य ने कारोबार में सुगमता के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन है इसमें दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। ओके, अब आंध्र प्रदेश है तो क्यों है, ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि DIPP द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश राज्य ने कारोबार में सुगमता के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश को कुल 98.42 यानी 98.42 अंक मिले हैं, इसलिए ये इसमें नंबर पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 5 पुलिस पदक शुरू किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है इसमें आपके, पहला है केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा और चौथा है नीति आयोग। तो इसका जो आंसर है वो है पहला, केंद्रीय गृह मंत्री, यानी केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिस पदक, 5 पुलिस पदक शुरू किए हैं। क्योंकि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि आप सभी जानते होंगे राजनाथ सिंह हैं, ने हाल ही में 5 पुलिस पदक शुरू किए हैं, जो कि पेशेवर रुख तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और ऐसे सुरक्षा बलों जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनके लिए शुरू किए गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक में 136 करोड़ की धोखाधड़ी होने पर CBI ने 3 मामले दर्ज। हाँ ठीक, इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। किस बैंक में 136 करोड़ की धोखाधड़ी होने पर CBI ने 3 मामले दर्ज हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है आपका SBI, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है केनरा बैंक और चौथा है यस बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, SBI। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि SBI क्यों है, क्योंकि SBI में हुए 136 करोड़ रुपए का नुकसान पर 3 कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के 3 मामले दर्ज हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 3 टॉपिक हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपकी 3 कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के 3 मामले दर्ज हैं, उसमें से नंबर एक नाम है टॉप वर्थ पाइप्स एंड ट्यूब, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। दूसरा है महिप मार्केटिंग और तीसरा है हर्ष स्टील ट्रेड। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन है कि जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में किस देश को 57वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में किस देश को 57वां स्थान मिला है। ऑप्शन है इसमें, का है जापान, खा है पाकिस्तान और गा है ऑस्ट्रेलिया और घा है भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत, घा। अब क्यों है, क्योंकि भारत इस वर्ष 57वां है, 2018 यानी कि पिछले वर्ष में 60वां स्थान था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसने 3 स्थानों का डेवलपमेंट किया है, ऊपर गया है भारत। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सीवर की सफाई के लिए टेक्नोलॉजी चैनल शुरू किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें आपके जो ऑप्शन है वो है, पहला आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है सूचना मंत्रालय और चौथा है नीति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, यानी कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय सीवर की सफाई के लिए टेक्नोलॉजी जो शुरू किया गया है वो ये है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें वो, इनमें से किसने नेट न्यूट्रलिटी को मंजूरी प्रदान की है? पहला है ऑप्शन भारतीय रेलवे, दूसरा है भारत सरकार, तीसरा है नीति आयोग और चौथा है राज्यसभा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो राइट आंसर है वो है भारत सरकार, यानी कि भारत सरकार ने नेट न्यूट्रलिटी को मंजूरी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि विश्व बैंक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? ओके, ऑप्शन है इसमें, पहला है जापान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है भारत। तो आपको बताना चाहूँगा इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। अब भारत इसलिए है क्योंकि विश्व बैंक रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने प्रतिद्वंद्वी फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि भारत ने किस किस देश को पीछे छोड़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा कि भारत ने फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई है। ओके, इस प्रकार से इसमें फिर एक अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी फुटबॉल टीम इतिहास में पहली बार फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंची है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर आपको आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, क्रोएशिया एंड रूस। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी, क्रोएशिया। ओके, अब ये क्यों है? क्योंकि क्रोएशिया ने लुजनिकी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया ने इंग्लैंड को 2-1 से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया है। अब ये क्वेश्चन एक बार इसको थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है कि क्रोएशिया ने किसको हराया जो वो फाइनल में पहुंचा। इसी प्रकार से मैं आपको बता दें क्रोएशिया ने इंग्लैंड को 2-1 से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इनमें से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत में 3.83 करोड़ यानी 3.83 करोड़ की सुपरकार लॉन्च की है? तो इसमें ऑप्शन है, पहला है ऑडी, दूसरा है VMW और तीसरा है फॉक्सवैगन, चौथा है होंडा। तो आपको बताना चाहूँगा इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि फॉक्सवैगन, क्योंकि ये सुपरकार 2.1 सेकंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे को की रफ्तार पकड़ लेती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी हो सकता है कि वह कौन सी कार है जो 2.8 सेकंड में ही 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार को पकड़ लेती है, तो भी हम आंसर हमारा क्या होगा कि वॉक्सवैगन। ओके दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज के करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आप अपने क्वेश्चन को हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।